हरी शिवा धाम रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट भीलवाड़ा से, भारत कल्याण प्रतिष्ठान जो विश्व हिंदू परिषद का हमारा सहयोगी संस्थान है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। पश्चिम बंगाल में ये जो हमारे सनातन धर्मियों पर और पीड़ितों पर जो हजारों हजार पीड़ित हुए हैं चुनाव के पहले या चुनाव के बाद, उनके लगभग 300 350 मकान तो पूरे बुलडोजर से ध्वस्त हो गए और कई मकान क्षतिग्रस्त कर दिए और कितनी जाने गई और कई घायल हैं, उनके सेवा में उनके सहयोग के लिए ये चेक हरी सेवा उदासीन आश्रम ने आज दिया। 1,11,111.11 रुपये का एक सादे सब सदे परमात्मा को एक ही अर्पण कर रहे हैं, हम कुछ अर्पण नहीं कर रहे। आज विश्व हिंदू परिषद द्वारा 2 मई पश्चिम बंगाल के अंदर जो लोकतांत्र प्रक्रिया होती है, चुनाव के बाद में जो रिजल्ट आए और किस तरह से एक वहाँ की बहुमत माली ममता बनर्जी की जो सरकार थी उसके विरोध में जो दमदार रूप से जो राजनीति दल खड़ा हुआ और उसको वहाँ का जो समाज ने सहयोग दिया, उस सहयोग को देते हुए लोकतंत्र में ममता बनर्जी की जीत होने के बावजूद जिन लोगों ने उनको वोट नहीं दिए, जो हिंदू समाज के सनातन धर्म को मानते हैं उन लोगों ने उनको वोट नहीं देने पर ममता बनर्जी द्वारा उन पर हमले करवाए गए, सरकार की सही के अंदर हमले हुए। और ये ऐसी घटना है जो 1947 की याद दिलाती है, भारत पाकिस्तान धर्म के आधार पर होता पर आज चुनाव के आधार पर वो स्थिति कर दी कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का जीना दुश्वार हो गया है। इसी कड़ी के अंदर आज महाराज जी द्वारा विश्व हिंदू परिषद को 1,11,111.11 रुपये का चेक उन्हें हिंदू समाज को पुनः स्थापित करने के लिए दिया गया है। ये ऐसी स्थिति अगर पूरे भारत में रहती है तो क्यों ना कानून जिस तरह से वो हाथ में ले रहे हैं, वो हिंदू समाज को भी कानून हाथ में लेना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठाना पड़ेगा।